हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज आपको मैं बताने आया हूँ कि दोस्तों आप लोग फ्लाइट टिकट कहाँ से बुक करेंगे ताकि आपको चीप एंड बेस्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लाइट बुकिंग के बारे में और ये आपको कहाँ से बुक करना है सबसे कम रेट में मिलेगा। जैसे आपको दोस्तों थर्ड पार्टी ऐप पर जैसे आप जाएंगे, जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, इजी माई ट्रिप हो गया, जितने भी ऐप है, एनोक्स हो गया, जितने भी पेटीएम वगैरह हो गया, जितने भी ऐप है वहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी दाम दिखेगा। आपको कहीं भी आप मान लीजिए वो फ्लैट 4,000 मिल रहा है तो वही फ्लैट कहीं पर दूसरी जगह 8,000 मिल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ, उससे आप क्या कर सकते हैं, फ्लाइट बुकिंग को कंपेयर करके आप अपना बुकिंग कर सकते हैं कौन सा ऐप पे ऑफर चल रहा है। दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड के अलग ऑफर मिलेगा आपको और ऐप पे भी कम बहुत मिलता है डिस्काउंट। तो चलिए दोस्तों आपको मैं बताता हूँ एक एक करके कि फ्लाइट को आपको फ्लाइट टिकट कहाँ से बुक करना है, कैसे बुक करना है और कितना चीपेस्ट बेस्ट मिलेगा, कौन सा साइट है जहाँ पे सबसे सस्ता मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं चलता हूँ गूगल क्रोम पे और वहाँ पे गूगल क्रोम पे जाके और मैं वहाँ पर सर्च करूँगा फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट, ठीक है, कंपेयर या डालेंगे फ्लाइट कंपेयर प्राइस, ठीक है, फ्लाइट कंपेयर प्राइस डालेंगे जैसे ही। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फ्लाइट बुकिंग साइट, ठीक है, फ्लाइट बुकिंग साइट जैसे डालेंगे दोस्तों तो आपको पता है सबसे पहले इसमें ना स्कैनर आ रहा है, ठीक है, स्कैनर आ रहा है दोस्तों। एक तरह का ये मतलब यहाँ से फ्लाइट बुकिंग होता है, लेकिन ये क्या एक तरह का ऐप है जिसको प्राइस को कंपेयर करके आप लोग देख सकते हैं। फ्लाइट स्कैनर आ जाएगा इसमें, जैसे आप फ्लाइट बुकिंग सर्च करेंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, फ्लाइट स्कैनर। तो फ्लाइट स्कैनर पर आपको फ्लाइट स्कैनर के बाद दोस्तों आपको देखिए काफ़ी सारा यहाँ पे आ रहा है, मेक माई ट्रिप, इजी माई ट्रिप, ये सब। तो आपको कुछ नहीं करना है, फ्लाइट बुकिंग साइट प्राइस कंपेयर डाल देना है, प्राइस कंपेयर सिर्फ सर्च करना है आपको, फ्लाइट बुकिंग प्राइस करें। फ्लाइट बुकिंग प्राइस कंपेयर डाल के आपको सर्च कर लेना है। और उसके बाद क्या करें, मैं थोड़ा सा मेरा फोन हैंग कर रहा है, अब फ्लाइट कंपेयर करके जाना। तो वहाँ पे जब जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारा आपको वहाँ पे साइट दिख जाएगा और जिससे आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं फ्लाइट बुकिंग प्राइस कंपेयर। देखिए प्राइस आ गया, फ्लाइट बुकिंग प्राइस कंपेयर आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आपको कंपेयर करना होगा, ठीक है, तो दोस्तों आप स्काईलाइनर जो है ये अच्छा है। उसके बाद देखो टायर ओडल डॉट कॉम है, यहाँ पे भी जाकर आप जा सकते हैं। चलो चलिए हम लोग स्कैनर पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। स्कैनर देखिए हम 1798 रुपये में फ्लाइट बुकिंग होगा यहाँ पे आपको, ठीक है, बहुत चीप एंड बेस्ट है। अब यहाँ देखिए दोस्तों होटल वगैरह जितना ही फ्लाइट है सारा कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ से सर्च करेंगे आपको कहाँ से कहाँ जाना है तो यहाँ पर डालेंगे, तो डालने के बाद क्या होगा आपको जैसे सर्च करेंगे तो इसके बाद आपको न्यू दिल्ली से आपको कहाँ जाना, न्यू दिल्ली है डिपार्चर, अब जहाँ से भी डालना आपको सेलेक्ट कर लेना वहाँ से। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, सर्च कर लेना है। अब आप यहाँ देखिए कितना वेबसाइट का नाम खुल गया यहाँ पे सारा कुछ, लेकिन ये कह रहा है लॉगिन करने के लिए, तो आपको लॉगिन नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना, आपको सिर्फ सही सर्च कर लेना है। रिटर्निंग का भी यहाँ पे आता है, तो आपको वन वे का चाहिए तो वन वे कर लेना आप डाल दो, अब सर्च कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा आ गया, एयर इंडिया आ गया, सारा गो है, गो का आ गया, सारा कंपनी का आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर मान लीजिए एक फ्लाइट को हिसाब सेलेक्ट करते हैं, एक फ्लाइट को हिसाब अगर सेलेक्ट करेंगे तो उस पर देखते हैं क्या क्या कौन कौन सा साइट पे आता है। इस पर देखिए आपको यहाँ दिख रहा है दोस्तों हैप्पी फेयर पर देखिए उसका 6,000 दाम दिख रहा है, इजी माई ट्रिप पर 7,000 दिख रहा है, गो है वीवो पर 8,000 दिख रहा है, यात्रा पर 9,000 दिख रहा है, क्लियर ट्रिप देखिए क्लियर ट्रिप 9,500 दिख रहा है, और ब्रेवो पर 11,000 दिख रहा है, सब पे अलग अलग ये प्राइस दिख रहा है। तो दोस्तों आपको यही क्या करना है, प्राइस पहले कंपेयर कर लेना है और उसके बाद ही आपको फ्लाइट बुक करना। आप कहीं का ही बुक कर रहे हैं, मैंने अभी दिल्ली से पूना का डाला है, ठीक है, तो वहाँ से भी आपको मतलब अलग अलग प्राइस का दिख जाएगा आपको। तो
तो दोस्तों इसी से आप बुक कीजिए, होटल हो गया, प्राइस हो गया, सारा आपको काम मिलेगा, जिससे काम मिलेगा वहाँ से बुक कर लीजिए, थर्ड पार्टी आपसे कर रहे हैं तो वैसे दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा पेटीएम का भी यूज़ कीजिए। पेटीएम पे क्या होता है कि बहुत ही सस्ता रहता है, वो लोग का पता नहीं क्यों उसका प्राइस एक फिक्स रहता है कि आप इतना ज़्यादा नहीं रहता उसका, जितना प्राइस आपको जो वेबसाइट पर साइट पर दिखेगा फ्लाइट का, जो जो भी साइट इंडिया हो फ्लाइट की साइट पर जो देखेंगे प्राइस, वही प्राइस आपको पेटीएम पर लेगा, बस उसमें कन्वेंस चार्ज जुड़ जाता है और कुछ नहीं, बाकी सेम रहता है प्राइस, सबसे अच्छा है पेटीएम, आप वहाँ से फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ देख लीजिएगा, ठीक है, मिलते हैं।